औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, आज मैं एक मालूमाती वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियो बर वक्त मिलती रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हैं जिनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था। वो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्होंने 22 लाख मुरबा मील पर इस्लाम का झंडा लहराया था। वो उमर जिनके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होते। वो उमर जिनको देखकर शैतान रास्ता बदल लेता था। वो उमर जिनकी बहादुरी पर यहूदी ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10 बरस और हुकूमत करते तो पूरी दुनिया पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नाफिज़ करवा देते। वो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो आज हमारे करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों में आराम फरमा रहे हैं। 22 लाख मुरबा मील का बादशाह कंधे पर राशन रखकर बूढ़ी औरत के घर पहुंचा रहा था और कह रहा था, अल्लाह पाक से मेरी शिकायत ना लगाना। वो सिर्फ प्यारे उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स अपना राज छुपाता है वो अपना इख्तियार अपने हाथ में ही रखता है। जो आदमी ज़्यादा हंसता है इसका रोब कम हो जाता है। जो रियासत मुजरमों पर रहम करती है वहाँ के बेगुनाह लोग बड़ी बेरहमी से मरते हैं। गुस्से के वक्त इंसान के अखलाक का सही पता चलता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदल के भेस गलियों में वो जाना याद आता है। इस दौर की माएँ जब आटे को तरसती हैं, उमर तेरी खिलाफत का ज़माना याद आता है। खुदा से इसके वही बंदे डरते हैं जो इसकी अज़मत का आलम रखते हैं। अच्छे लोगों को आजमाने की कोशिश न करना, क्योंकि अच्छे लोगों की मिसाल हीरे की तरह होती है। जब तुम इन्हें ठोकर मार दोगे तो वो टूटेंगे तो नहीं, मगर होगा ये कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से फिसल करके ही कहीं दूर चले जाएंगे। कम खाने में सेहत है और इसके अलावा कम बोलने में समझदारी है और इसके अलावा कम सोने में इबादत है। मुझे इस दिन से खौफ आता है कि जब कुफ़ार अपने बातिल पर होने में फ़ख्र महसूस करने लगें और मुसलमान अपने ईमान पर शर्म महसूस करने लगें। तौबा करने वालों के साथ बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नरम दिल होते हैं। राया हुक्मरानों के नक्शे कदम पर चलती है। जिसकी परहेजगारी कम हो जाती है इसका दिल मुर्दा हो जाता है। हर शय का एक हुस्न होता है और नेकी का हुस्न ये है कि इसको फ़ौरन किया जाए, जल्दी किया जाए। अगर हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात पर अमल करें और इनके अक़वाल से कुछ सीखने की कोशिश करें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपनी उम्मत से कहना कि मेरा ज़िक्र अपनी उंगलियों पर किया करो। जब तुम अंधेरी कब्र में तन्हा होंगे तो ये उंगलियां आपकी कब्र को रोशन कर देंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस को दूसरों तक पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह।